आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जिसका शानदार सा टेस्ट लेंगे, जो कि आपका बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होगा और बिल्कुल इसी लेवल का आपका 25 जुलाई का पेपर होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और इस टेस्ट में कम से कम आपको 22+ का सही जवाब देना है। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है और मैं आप सभी से वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी राइट आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड इन विच ईयर, यानी कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन है आपका 1884, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1684 या ऑप्शन नंबर डी 1794। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो किया गया था आपका 1784 में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1784 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। विलियम जोनस के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, विलियम जोनस के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच मिरर इज यूज्ड इन शेविंग, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में किस दर्पण का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाने वाला कौन सा दर्पण होता है। ऑप्शन आपका अवतल दर्पण है, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि निम्न में से कौन खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है। आपको बताना है कि किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका चूने का पत्थर है, ऑप्शन बी पिंच ब्लेड, ऑप्शन सी मोनाजाइट रेत या ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट। जो भी ऑप्शन डी हेमेटाइट लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ओजोन लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन चार आपके सामने, आपको ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत का ऊंचाई जो होता है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ओजोन परत जो होता है वो हमें परावैज्ञानिक किरणों से बचाता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और ओजोन दिवस जो होता है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस जो होता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच नंबर क्वेश्चन की ओर। पाँच नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन देन अदर प्लैनेट्स, यानी कि निम्न में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में चक्रण करता है। ऑप्शन आपका शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन नंबर डी शनि। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शुक्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। शुक्र जो होता है वो आपका उल्टी दिशा में चक्रण करता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और नीला ग्रह जो कहा जाता है वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और लाल ग्रह जो कहा जाता है वो आपका मंगल को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन को। छह नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल न्यू प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938, यानी कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यू योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस है, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ऑप्शन चार आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जो भी ऑप्शन बी लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को। सात नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना द मैसेंजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बिल्कुल इसी लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका एनी बेसेंट है, ऑप्शन बी अरुणा असफ अली, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो कहा गया था आपका सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। देखो, सरोजिनी नायडू थी आपके भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज ईस्ट, यानी कि ईस्ट क्या है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ईस्ट क्या है। ऑप्शन आपका जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको याद हो तो जल्दी से बताना है कि ईस्ट जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है। तो देखिएगा, ईस्ट जो
होता है वो आपका एक प्रकार का फंगस यानी कि कवक होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा है कि हु गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय, यानी कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी। आपको बताना है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय। जो भी ऑप्शन बी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वाटर इज कॉन्वेयर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पौधे की जड़ों से पत्तियां तक पानी का संवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बिल्कुल आपका इसी पैटर्न पर आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आपको वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन आपका जाइलम है, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जाइलम, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जाइलम ऊतक जो होता है वो आपका पौधे की जड़ों से पत्तियां तक पानी का संवहन करता है जाइलम ऊतक द्वारा, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है। आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। ऑप्शन आपका गैनीमेड, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी चंद्रमा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो हम लोगों से पूछा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन होता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है आपका गैनीमेड होता है। जो भी ऑप्शन है गैनीमेड लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है द आर्मी क्लासेस, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से द आर्मी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही हमारे इस चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद ही द आर्मी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होगा। मॉडल पेपर का टेस्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा आपका मॉडल टेस्ट पेपर का टेस्ट होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इनमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। ऑप्शन आपका चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना या ऑप्शन नंबर डी लकड़ी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चांदी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी कि निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी आई है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका एंथ्रासाइट है, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा कार्बन का मात्रा जो होता है वो आपका एंथ्रासाइट में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और जिसमें ज्यादा कार्बन की मात्रा होगा वही कोयला का किस्म जो होगा वो सबसे अच्छा होगा, यानी कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला जो होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एवरेज प्रोटीन डाइजेशन इन आवर बॉडी, यानी कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहां पर होता है। ऑप्शन आपका यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी मुख या ऑप्शन नंबर डी छोटी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। कम से कम आपको इस वीडियो में 1000 लाइक करना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो कम से कम अपने 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आपका आमाशय में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आमाशय, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग उदर या पेट के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूसेफ डुबैले इज फोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इरेसियंस, यानी कि यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से किस अपरदन से होता है। ऑप्शन है आपका नदी, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी हिम नदी या ऑप्शन नंबर डी कास्ट। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा मेरे दोस्त, आप जितना यहाँ पर कम टाइम लगाओगे आपको एग्जाम में भी टाइम बचेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर सी हिम नदी। जो भी ऑप्शन सी ग्लेशियर लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन
क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच विटामिन इज प्रेजेंट इन सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपको बताना है कि सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा सूर्य के प्रकाश में जो होता है वो आपका विटामिन डी मौजूद होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड इन अल्जाइमर डिजीज, यानी कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका कान, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंख है, या ऑप्शन नंबर डी पेट। अगर आपको अल्जाइमर रोग हुआ तो आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा कि हुए गिव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। तो देखिएगा दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। आपको बताना है कि भोजन का जो ऊर्जा होता है उसका परिवर्तन किस कोशिका के भाग में होता है। ऑप्शन आपका केंद्रक, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम, या ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया लाइव चैट में बताया है, इनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ फिटिंग रबर विथ सल्फर, यानी कि रबर को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। आपको बताना है कि रबर को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका गैल्वेनीकरण, ऑप्शन बी बेसमीकरण, ऑप्शन सी वेल्केनाइजेशन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वेल्केनाइजेशन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी वेल्केनाइजेशन लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, यानी कि इनमें से कौन विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन आपका रेटिनॉल है, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका कैल्सीफेरॉल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्सीफेरॉल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और विटामिन सी जो होता है वो आपका संतरा में पाया जाता है, और इसे भी आपको ध्यान में, संतरा और नींबू में पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका रेटिनॉल होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और इससे पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल द आर्मी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपका आर्मी का डेली लाइव क्लास होता है और वहाँ पर आपका मॉडल पेपर ओरिजिनल पेपर का टेस्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से द आर्मी क्लासेज को सब्सक्राइब करना। आज वहाँ पर आपका मॉडल पेपर का टेस्ट होगा, मैं ही वहाँ पर भी क्लास लेता हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस चैनल पर हम लोग 20,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, तो जाकर के जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि शून्यवाद के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपका वसुबंधु, ऑप्शन बी नागा अर्जुन, ऑप्शन सी अरविंद, या ऑप्शन नंबर डी मंडन मिश्रा। तो देखिएगा शून्यवाद के संस्थापक जो माना जाता है वो आपका नागा अर्जुन को माना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नागा अर्जुन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और नागा अर्जुन को हम लोग भारत का आइंस्टाइन के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज जर्मन सिल्वर एलॉय, यानी कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु क्या है। आपको बताने कि जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु क्या होता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आर्मी का स्पेशल ई बुक लेना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 7250565575। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना, अगर आपको आर्मी का ई बुक लेना है तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप नंबर है तो सिर्फ आप लोग व्हाट्सअप मैसेज ही करोगे, आप लोगों को कॉल नहीं करना है। आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या करना है, आपको मैसेज कर देना कि सर मेरे को ई बुक चाहिए, मैं आपको पूरा प्रक्रिया बता दूंगा। तो अगर आपको लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो। आप सभी को HW के तौर पर देता हूँ, तो इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25
25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है द आर्मी क्लासेज है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आपका आर्मी का बहुत ही शानदार क्लास होता है। वहाँ पर हमारा 20,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर आपका डेली एक एक मॉडल पेपर का टेस्ट होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और जैसे हमारा चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद भी वहाँ पर एक मॉडल पेपर का टेस्ट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी मैं ही लाइव क्लास देता हूँ, तो आप सभी से हाँ जरूर रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विच इज द हाइस्ट अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी व्यास सम्मान, ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान या ऑप्शन नंबर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो आपका जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम के क्षेत्र में, इसे आपको ध्यान में रखना है। मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरूप जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जाते आते एक एक लाइक कर देना है और जाकर के जल्दी से द आर्मी क्लास को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी 20 मिनट बाद ही आर्मी का मॉडल पेपर का टेस्ट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब जरूर करना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाते आते एक एक लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।